नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश दुनिया में राम भक्त अयोध्या पहुंचकर बालक राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब प्रभु राम का दर्शन करने पूजन करने वाले भक्तों के माथे पर ना ही तिलक लगेगा और ना ही पुजारी गर्भगृह में भोग लगे हुए बालक राम के चरणामृत का प्रसाद देंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने तत्काल प्रभाव से गर्भगृह के पुजारी को ऐसा करने से रोक लगा दी है। अब पुजारी को मिलने वाली दक्षिणा भी दान पेटी में रखी जाएगी। बीते 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे थे। हर श्रद्धालु के मन में यही इच्छा होती है कि वह करीब से प्रभु राम का दर्शन करे, पुजारी तक पहुंच सके और पुजारी उनको प्रभु राम का प्रसाद और चंदन लगा सके। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इन सभी चीज़ों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, भक्त जो पुजारी को दक्षिणा देते थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि जब अब भक्त दान पत्र में ही दान डाले, राम भक्तों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ट्रस्ट ने सोच समझ कर लिया होगा ये फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले पर जब राम भक्तों से बात की गई तो राम भक्तों ने कहा कि ट्रस्ट ने जो फैसला लिया है वह अच्छे के लिए लिया होगा, तो वही बहराई से प्रभु राम का दर्शन करने पहुंचे। राम भक्त ने बताया कि अनेक मंदिरों में चंदन टीका और चरणामृत प्रसाद के रूप में दिया जाता है, राम मंदिर में अगर बंद किया गया है तो ये गलत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय आम श्रद्धालुओं को देखते हुए लिया है। राम मंदिर परिषद में पहले कुछ भक्तों को चंदन टीका और चरणामृत दिया जाता था, जिसे कई तरह की परेशानियां पैदा होती थी। आपको बताते चले, चंदन टीका लगाने और चरणामृत देने पर रोक लगा दी है। आम श्रद्धालुओं के साथ सामान्य व्यवहार हो, इस वजह से कई सारे निर्णय लिए गए हैं, जिनमें अब पुजारी किसी भी श्रद्धालु को चंदन टीका और चरणामृत मंदिर में नहीं देंगे। साथ ही कुछ राम भक्त पुजारी को दान देते थे, वह भी दान अब राम भक्त दान पात्र में डाल सकेंगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि हर मंदिर में भक्तों को चरणामृत और चंदन लगाया जाता है। रामानंदी शास्त्रों में वर्णन है कि रामानंदी परंपरा के मंदिर में चरणामृत दिया जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को इसके लिए वंचित किया है। इसके साथ ही तिलक चंदन को भी बंद कर दिया गया है। अभी तक भक्तों को चंदन लगाया जाता था, भक्त प्रसन्न होते थे। पुजारी इस फैसले से नाराज है, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के फैसले मानने की मजबूरी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह में ना ही पानी निकालने की जगह है और ना ही एसी चल रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट का जो निर्णय आता है वह निर्णय पुजारी मानते हैं, क्योंकि पुजारी की मजबूरी है। जितने भी रामानंदी परंपरा के मंदिर में है उन मंदिरों में ऐसा नहीं है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में ऐसा हो रहा है। राम मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस वक्त ट्रस्ट ब्रह्मा विष्णु और महेश है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइन।